गाइस क्या आपको इंग्लिश आती है? टूटी फूटी इंग्लिश आती है क्या? बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है? ओ बहुत सारी इंग्लिश आती है, जैसी भी आती है, बट कभी ना कभी आप तो फंसते तो होंगे ही। कभी ना कभी कोई ऐसा वर्ड तो आता ही होगा कि आपको उसकी मीनिंग पता नहीं होती होगी। कभी ना कभी ऐसा सेंटेंस आते होंगे आपके सामने, ऐसे सेंटेंसेस आते होंगे आपके सामने कि आपको उनका मीनिंग बिल्कुल भी पता नहीं होता होगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करवाने वाला हूँ। अब बोलोगे यार, अगर फोन में आए, कहीं कंप्यूटर लैपटॉप में हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें आया, तो उसे सिंपली कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट करेंगे जहाँ पर ट्रांसलेट कर सके, और वहां ट्रांसलेट करके हम पता लगा लेंगे। इट्स सो सिंपल, इसमें आप क्या बताओगे? गाइस सोचो, इमेजिन कर रहे हो कि कहीं दीवार पर प्रिंट है, मे बी किसी बोर्ड पर है, किसी बुक में लिखा हुआ है जहां से हम उसे कॉपी ना कर सके और कहीं पर पेस्ट ना कर सके दूसरी जगह पर, तो क्या करोगे? हाँ अब गाइस डोंट वरी, मैं हूं ना फ्रॉम टेक्निकल परिवार हिम्मत सिंह। गाइस आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर मान लीजिए किसी भी बोर्ड पर, किसी भी दीवार पर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसके मीनिंग क्या होगा, कोई ऐसी इंग्लिश है, इंग्लिश में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो आप उसे किस तरीके से आप उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में कर सकते हैं या अदर लैंग्वेज में कर सकते हैं। लाइक दिस, ये एक बॉक्स है और इसमें काफी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं इसे समझ नहीं सकता है क्योंकि इंग्लिश में है, मेरी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। सो अब मैं क्या करूं? अब मैं मेरे मोबाइल के कैमरे से इसे स्कैन करूंगा और तुरंत इसमें ये जो लिखे हुए हैं हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे कैसे, ऐसे लगेगा जैसे इसी पर प्रिंट हो रहे हैं। सो आपको ब्लिंक नहीं हो रहा ना? सो गाइज इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज चलिए हम मोबाइल पर चलते हैं और वहां पर सीखते हैं कि मोबाइल के कैमरे से हम किस तरीके से किसी भी दीवार पर छपी हुई चीज को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी अदर लैंग्वेज, मराठी, तमिल, बंगाली, कुछ भी है। ओके लो जी, आ गए हम मोबाइल पर। अब हम यहाँ पर एक ऐप डाउनलोड करेंगे, तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ से करते हैं? एंड्रॉयड मोबाइल है मेरे पास, तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप स्टोर यानी ऐप, प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर हमें सर्च करना है। जी हाँ, गूगल ट्रांसलेटर की मदद से ही, क्या आप जानते हो, इतना जानते होगे कि इसकी मदद से हम कोई भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदल सकते हैं, लेकिन क्या ये भी जानते हो गूगल ट्रांसलेट की मदद से कैमरा को यूज करते हुए हम कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जो कि किसी दीवार बोर्ड पर हो? जी हाँ, चलिए मैं गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेता हूँ। ये मैं डाउनलोड पहले से किया हुआ है मैंने, तो चलिए अब मैं इसे यहाँ से सिंपली ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ भी लैंग्वेज वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर दी हुई है, पहले यहाँ पर एक लैंग्वेज सर्च करनी होगी। यहाँ पर जो आपको वो लैंग्वेज सर्च कर यहाँ सेलेक्ट करनी है जो आप जिस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जो आपके समझ में नहीं आ रही है। और जैसे मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो हमें समझ में आती है, जिसको हम चेंज करके उसकी मीनिंग लेना चाहते हैं। जैसे मैं हिंदी में जानना चाहता हूँ किसी भी वर्ड का मीनिंग, तो मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो वो हिंदी में आ जाएगा यहाँ पर डालेंगे तो फिलहाल मैं नहीं डालने वाला, आइए सब आपको पता है। गाइज आपको यहाँ पर एक कैमरा का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक अपना जो कैमरा है रियर कैमरा वो खुल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके कैमरे के सामने आप जो भी लाओगे वो हिंदी में चेंज हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा गाइज, आप देखिए सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए ये कुछ बॉक्स है मेरे पास में, जैसे बोया का ये एक बॉक्स है जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर्ब साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, तो अब मुझे इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो चलिए इसके लिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए ये आई का बटन दिया हुआ है इंस्टेंट ऑन, इसे ऑन कर देना हमें। तो जैसे इंस्टेंट ऑन करेंगे तो ये देखिए हिंदी में होकर आ गया, जो भी यहाँ पर इंग्लिश में था वो सब हिंदी में हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हिंदी में होकर आ गया, प्रस्तुतियों के लिए शानदार ध्वनि और वीडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर देखिए ये एक माइक्रोफोन लिखा हुआ है हिंदी में हो गया। अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ वापस इंग्लिश में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इंस्टेंट ऑफ कर दिया मैंने, यहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल जैसे है रियल वो दिखाएगा, लेकिन जैसे इसे ऑन करूँगा सीधा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे ये हिंदी में ही ये इस
डिब्बे पर प्रिंट हो। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो है आपके फ़ोन को यदि आप खड़े रखेंगे तो ही ये रीड करेगा। तो इस तरीके से आप इसे रोट करिए और देखिए आपके सारे काले रंग वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो सब यहाँ पर आपको हिंदी में करके देगा। जैसे मान लीजिए अब कूलर की ओर चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कूलर है, तो मैं सबसे पहले इसे ओप कर देता हूँ और यहाँ पर इस कूलर पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। चलिए और यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे आते हैं, कूलर लिखा हुआ है और देखिए इंग्लिश में कूलर लिखा हुआ है। अब मैं जैसे इंस्टेंट ऑन आई करूँगा, ये आई का जो सिंबल है ये क्लोज हो रहा है, मैं इसे ऑन करूँगा जैसे ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस क्या वीडियो पसंद आया? लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कैसा लगा, अगला वीडियो किस बारे में होगा ये भी बताना, आप क्या करते हो ये भी बताना, क्लिप का नाम भी बताना। बाय।